आरा वॉल पेपर्स एंड इंटीरियर डीएम कोठी आरा के समीप उद्घाटन, संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के प्राचार्य सह नगर रामलीला समिति ट्रस्ट की अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना सिंह ने फीता काट कर किया। ये सभी लोग मौजूद हैं। संजय भैया, माँ भक्तों से मिलेगा और डॉक्टर अर्चना सिंह का माता की चुनरी उठाकर सम्मानित। इस मौके पर संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, कर्नल राणा प्रताप सिंह अवधेश पांडे एवं शॉप के प्रोप्राइटर ज्योति सिंह, राकेश सिंह, गुड्डू बबुआन उपस्थित रहे। इस अवसर पर राकेश सिंह ने आगत अतिथियों का स्वागत माता के चुनरी देकर सम्मानित किया। राकेश सिंह ने कहा कि यहाँ पर वॉलपेपर्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, वो भी सस्ते दरों में। इस अवसर पर अवधेश कुमार अध्यक्ष जिला माध्यमिक शिक्षक संघ भोजपुर, संतोष कुमार सिंह सचिव जिला माध्यमिक शिक्षक संघ भोजपुर, आनंद प्रकाश पांडे सदस्य राज्य कार्य समिति बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पटना आदि लोग शामिल रहे। आज आरा वॉल पेपर का उद्घाटन पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिएगा आरा वॉल पेपर को लेकर? सबसे पहले तो आज विजयादशमी है, सभी नगर वासियों को और यहां उपस्थित सभी लोगों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरा वॉल पेपर कोई नया नाम नहीं है, लेकिन इसको एक प्लेस देके और एक स्थान देके ऑफिशियली आज इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी प्रोप्राइटर ज्योति जी हैं और राकेश जी, जो कि सभी लोग जानते हैं कि हाई स्कूल के टीचर भी हैं और उनकी पत्नी इसका देखरेख करती हैं। तो जाहिर सी बात है, जो भी मतलब आजकल इंटीरियर कोर्स तो लेडीज जेंट्स सभी कर रहे हैं, लेकिन जो एक पैदाइशी जिसको कहा जाएगा हुनर जो इंटीरियर का महिलाओं में होता है, वो जन्मजात होता है और मुझे लगता है इस काम को बखूबी कर पाएंगी और यहाँ की जनता को संतुष्ट कर पाएंगी। वाल पेपर को, आरा वाल पेपर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब आप लोग कंडले बोला करेंगे। आज हम लोग वाल पेपर का है, हम तो फर्स्ट बार, मैंने बाकी होगा लेकिन यहाँ पर ये जगह पर जो वाल पेपर, जो वाल का आरा वाल पेपर खुला, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे देखकर मुझे लग रहा है कि घर, हम अपने ही घर में पूरा वाल कहीं लगा ले, क्योंकि आजकल तो डेकोरेशन का चीज है। आइए, पेपर लगाने के बाद वो जो पेंटिंग कराते हैं साल में दो साल में, वो हमें लगता है कि नहीं करना पड़ेगा। आरा वासियों को बहुत ही अच्छा ये चीज मिल रहा है। अब मैं दुकान के उद्घाटन करता मैडम को, मैडम को और हमारी प्रोप्राइटर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज इन्होंने हम लोगों को बुलाकर दुकान का उद्घाटन कराया। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे ये दिन दुनी रात चौगुनी इनकी दुकान तरक्की। देखिए, हम एक गृहिणी है, घर में बैठे बैठे सोचे कि कुछ किया जाए, ये आरा वॉल पेपर के लिए हम ये किए कि मतलब हम अपने इस शहर में छोटा सा अपना दुकान खोले और सबसे सस्ता सुविधा घर को सजाने की व्यवस्था दे। लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो पेंटिंग हो जाता था, वॉल पेपर या काफी डिमांड में होता है। लोग तो देखिए बहुत प्रभावित हैं, उन लोग को मतलब ये वॉल पेपर और ये पीवीसी वगैरह, आजकल पेंटिंग का तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो इसीलिए सोचे कि मतलब वॉल पेपर का बिजनेस किया जाए। और क्या अपना बता दीजिए। ज्योति कुमारी, वॉल पेपर के उद्घाटन में आए हुए हैं। उद्घाटन नगर रामलीला समस्त ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉक्टर रत्ना सिंह और संभावना स्कूल के प्रिंसिपल ने इसका उद्घाटन किया। नगर रामलीला ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी इस शॉप के उद्घाटन में उपस्थित हुए हैं। वॉल पेपर आज के डेट में प्लास्टर और टाइल्स का विकल्प के रूप
में आया है और आरा में पहली बार ये ज्योति जी हैं और राकेश जी इसको लेकर आए हैं और ये काफ़ी लोग इससे प्रभावित हैं। जैसा कि मेजर साहब ने बताया कि इनको इच्छा हो रही है कि अब अपने घर का पूरा इंटीरियर वॉलपेपर से ही करवा लें। हाँ, उसी तरीके से मुझे भी इच्छा हो रही है देख के कि भाई अब जो टाइल्स वगैरह है उससे अच्छा है कि वॉलपेपर ही हम लगवा लें। इसमें एक फायदा ये है कि मान लीजिए 2-4 साल में मेरा मन भर गया उस डिजाइन से, तो फिर अगली बार हम लोग दूसरा वॉलपेपर लगा कर ये, तो ये एक सस्ता और सुविधाजनक विकल्प है। उद्घाटन में क्या कहेंगे? सबसे पहले राकेश भाई को शुभकामना देना चाहूँगा, फिर उसके बाद नवरात्रि का भी उनको हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा कि आज के दौर में जो मार्बल टाइल्स का जमाना चल रहा है उस दौर में ये वाल प्रॉपर सभी जगह से उठा के और आ रहा है ऐसी जगह पे और इतना बूम पे, जो कि देखने से हम लोग को लग ही नहीं रहा है कि ये वाल पेपर है, लग रहा है कि मार्बल और टाइल्स ही है। इस तरह का व्यवस्था यहाँ पहले उनके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और माता रानी से दुआ करेंगे कि और दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े। धन्यवाद जी। आज जो यहाँ पर आरा वॉलपेपर का उद्घाटन किया गया है, इंटीरियर डिजाइनिंग आपको क्या क्या दे रहे हैं? देखिए, आरा वॉलपेपर का उद्घाटन सर्वप्रथम इनका देन है, ये मेरी धर्मपत्नी है, इन्होंने कहा कि हम घर बैठे बैठे क्या करेंगे, हम बच्चे चले जाते हैं विद्यालय, हम भी नौकरी में हैं, तो ये दिन में इनका समय कटना मुश्किल हो गया था, तो इन्होंने कहा कुछ ऐसा हमको दिया जाए प्लेटफॉर्म जिससे हम लोग कर सकें। तो हम लोगों ने मन ही मन सोचा कि आज के आधुनिक युग में वॉलपेपर सबसे आसान है, तो शहर में मैंने जहाँ तहाँ सुना कि बहुत महंगे रेट में इसको लगाया जा रहा है, एक माननीय प्रोफेसर के सिंह जी हैं, उनके यहाँ हमारा आना जाना है, तो बोले कि हमारे एक रूम का 45,000 रुपया बिल हो गया। हमने कहा नहीं भाई, इतना तो है ही नहीं। तब हमने एकदम सस्ता सुविधा केवल सेवा भाव से अपने शहरवासियों को, चूंकि हम समाज से भी जुड़े हुए हैं, तो हमारा यही काम है केवल सेवा भाव से हम सभी का घर चकाचक हो जाए और सारी व्यवस्थाएँ हम दे सकें।